दोस्तों, जो लास्ट वीडियो था मेरा विंडोज़ एक्टिवेशन के ऊपर, जो कि यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था, तो वो एक्चुअली मुझे एक मेल आया था कि इट वायलेट्स द कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो एक्चुअली मैं चेक कर रहा था कि इट डज़ वायलेट, वो 18 प्लस कंटेंट, वो जो इनएप्रोप्रिएट था वो नहीं था, वो दूसरा रीज़न था, जो कि नॉट द राइट वे टू एक्टिवेट द सॉफ्टवेयर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का लीगल ऑथराइज सॉफ्टवेयर है। तो उसको मैं जो जिस प्रोसेस में वैलिडेशन दिखा रहा था, तो दैट इज़ नॉट द प्रोसेस। यू हैव टू लाइक लाइसेंस, यू हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो। तो दोस्तों, YouTube ने मुझे ईमेल किया है। उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्यों उन्होंने मेरा वीडियो डिलीट कर दिया एंड हाउ इट वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है हाउ योर कंटेंट वायलेटेड द पॉलिसी, कंटेंट दैट शोज व्यूअर्स हाउ टू गेन अनऑथराइज फ्री एक्सेस टू ऑडियो कंटेंट, ऑडियो विजुअल कंटेंट, फुल वीडियो गेम्स, सॉफ्टवेयर स्ट्रीमिंग सर्विसेज दैट नॉर्मली रिक्वायर पेमेंट इज नॉट अलाउड। दिस पॉलिसी अप्लाइज टू वीडियोज, वीडियो डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स, लाइव स्ट्रीम्स एंड एनी अदर यूट्यूब प्रोडक्ट्स और फीचर। कीप इन माइंड दैट दिस लिस्ट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। तो दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो जो विंडोज़ एक्टिवेशन के ऊपर था, उसमें गलती ये था कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड था पेमेंट के लिए, मैंने उसे फ्री में कर दिया था एक्टिवेट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें। तो जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप चेक कर लें कि डाटा वायलेट्स द कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ यूट्यूब और नॉट। थैंक यू।